दोस्तों आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के प्री में जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर के आपको देखने के लिए मिले हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ यहाँ पर डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। और जो लोग भी एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो यहाँ पर बात हुई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। 2022 के अंदर इस योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा शहरी इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की ये प्लानिंग शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य हो जाता है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे नितिन गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था, यह कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? आपको ये चीज बतानी है, जो आपका मिशन कुशल कर्मी है यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी? तो जो 2019 के सैन्य विश्व खेल हुए थे उनकी मेजबानी चीन के वुहान शहर द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार की 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए योग महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात करूं योग महोत्सव की, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार 2022 में योगा दिवस की थीम क्या रही थी, ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी थीम रही थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 किस स्थान पर आयोजित हुए थे? तो बात हुई है 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वे आपके ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट नामक शहर में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अभी लेटेस्ट राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 2022 के अंदर, जिनका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया है। इसमें कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक जीतकर पहले स्थान पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। वहीं पर भारत ने 22 स्वर्ण पदक के साथ कुल मिलाकर 61 पदक जीत लिए हैं और पदक तालिका में भारत भी चौथे स्थान पर रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो श्रेष्ठ योजना, जैसे कि आप सभी जानते हैं वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस योजना का उद्देश्य है कि लक्षित क्षेत्रों में रहने वाले हाई स्कूल के छात्रों को आवासीय शिक्षा मुहैया कराई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां होगा? तो शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 के अंदर दक्षिण कोरिया के गंगवान नामक शहर में होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो जो आपका विनियोग विधेयक 2022 था यह लोकसभा में 10 मई 2022 को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये जो योजना आपको दिखाई दे रही है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का एकमात्र जिला बना है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एक वर्ष के अंदर टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें से सबसे पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसकी शुरुआत वर्ष के पहले महीने अर्थात जनवरी में ही की जाती है। उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है जिसका आयोजन मई जून में किया जाता है। उसके बाद आपका विंबलडन ओपन होता है जिसका आयोजन जून जुलाई में किया जाता है। और लास्ट में होता है आपका यूएस ओपन जो कि अगस्त और सितंबर के मध्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं डॉक्टर वाई वी चंद्रचूड़, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करो इनसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस यूयू ललित, जिन्हें आप जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा किस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की गई है, तो आप सभी जानते होंगे मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं के लिए शुरू की गई एक योजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अक्टूबर 2022 मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, अर्थात अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, तो मेघालय के नए राज्यपाल बने थे बीडी मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2022 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बने थे, तो ओलंपिक 2022 के अंदर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने थे मनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इसे आप NCGG के नाम से भी जानते हैं, इसके नए महानिदेशक के रूप में भरत लाल जी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है, तो ऐसी योजना जिसके द्वारा लोक प्रशासन के अंदर उत्कृष्टता देखने के लिए मिली हो, तो ऐसी योजना को पीएम पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, उसका नाम हो जाता है उड़ान योजना, जिसे आप उड़े देश का आम नागरिक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है, तो अभियान अंचल ये आपका राजस्थान राज्य के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इस अभियान का उद्देश्य है जो गर्भवती महिला है उनकी देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे, तो 2023 के अंदर फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करो 2019 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किसने की थी, तो 2019 के अंदर मेजबानी की थी फ्रांस ने, जिसमें विजेता रहा था US और उपविजेता रहा था नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश भी बनाए जा चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के कौन से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो प्रमोद सावंत ने गोवा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे आप BCCI के नाम से जानते हैं के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना शुरू की है, तो छाता योजना, इस योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है जिससे कि भूजल तालिका में सुधार किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी जानते होंगे नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं परमेश्वरन अय्यर जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिन्हें आप CDS के नाम से भी जानते हैं के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के दूसरे CDS बने हैं डॉक्टर अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर बात करूं भारत के पहले CDS कौन थे, तो भारत के पहले CDS हो जाते हैं जनरल बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में तमिलनाडु के अंदर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में कब पारित किया गया, तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 है इसे लोकसभा के अंदर अगस्त के अंदर पारित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन है इसके नए CEO बनाए गए हैं अभिषेक सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 2026 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी इटली के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितना नकद पुरस्कार दिया गया है, तो 2019 के अंदर जिन लोगों को अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था उन्हें कुल मिलाकर 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि से भी नवाजा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 2021 का अकादमी पुरस्कार मिला था दया प्रकाश सिन्हा को, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है,
तो जो नई दिल्ली वाला एम्स है, इसके नए निदेशक के रूप में एम श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पुण्यकोटि दत्तू योजना, यह योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है और इस योजना का मेन उद्देश्य पशुओं को गोद लेने का रखा गया है। पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किच्छा सुदीप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहां आयोजित हुआ था? तो FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 के अंदर जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड गैस का संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इस गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है पंजाब के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यह एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड गैस अर्थात CBG का संयंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की है? तो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम की शुरुआत करने वाला एकमात्र राज्य हो जाता है जिसका नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2022 का पहला मैच कहां खेला गया? तो IPL 2022 का पहला मैच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई के अंदर खेला गया, जबकि फाइनल मैच जो है वो गुजरात में हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और इसमें विजेता रही गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप DRDO के नाम से जानते हैं, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो DRDO के अध्यक्ष बनाए गए थे समीर वी कामत जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के नए CVC बने हैं, अर्थात जो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, उनका नाम हो जाता है सुरेश एन पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पुद्दुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुद्दुचेरी के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे एन रंगास्वामी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन मैं भी आपको कई बार पहले भी करा चुका हूँ। 2022 के अंदर त्रिपुरा सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कला श्रेणी के तहत सोनू निगम जी को पद्मश्री से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2022 के अंदर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी और हाल ही में मैंने आपको बताया नीति आयोग के नए CEO भी बदले गए हैं, उनका नाम हो जाता है परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी? तो 2010 के अंदर ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी जो है वो सिंगापुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू को भारत का कौन सा राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपको बताना है इनका क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुना गया है और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में किन लोगों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना शुरू की गई थी? तो निपुण योजना, इसकी शुरुआत निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जो निर्माणधीन श्रमिक है उनकी अच्छे से प्रशिक्षण किया जा सके या उनकी अच्छे से ट्रेनिंग कराई जा सके। तो यहां तक आपने SSC CGL 2022 के प्री एग्जाम में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं उन सभी का पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट टू में आपके जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वे सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगाने के लिए आप रैंकर्स GK की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप अपनी तैयारी को भी जांच पाएंगे कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, कितनी आपकी पकड़ करंट अफेयर पर बनती जा रही है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।